The next important topic is a word of caution tobo when we make project we must be careful that the computer should be protected using appropriate antivirus and malware he further explained that when we work on computer then certain malicious program or software get automatically downloaded into our computer through a pen drive or internet, these program may corrupt data, multiply data, unnecessary or lead to malfunctioning of other software. जब भी हम कंप्यूटर पे काम करते हैं या हम जब pen drive यूज करते हैं या हम अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तो कुछ अनवांटेड डेटा इंटरनेट से डाउनलोड होकर हमारे कंप्यूटर में आ जाते हैं या पेन ड्राइव के यूज करने से और वो हमारे कंप्यूटर को नुकसान करते हैं वाम कंप्यूटर प्रोग्राम डैट रिप्लीकेट इट सेल्फ एंडकाउस प्रॉब्लम विथ स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर वाम एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम है जो खुद को खुद के ही एक कॉपी बना लेता है और हमारे कंप्यूटर के स्मूथ फंक्शनिंग में प्रॉब्लम डालता है एंड द वायरस अ कंप्यूटर वायरस इज अ मेलिकस प्रोग्राम दैट डिस्टर्ब द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर अ वायरस एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम है जो हमारे कंप्यूटर के स्मूथ फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करता है एंड द नेक्स्ट इज मालवेयर इट इज अ मेलिकस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम टू स्टील समवन सेंसेटिव एंड कॉन्फिडेंशियल डेटा फ्रॉम कंप्यूटर मालवेयर एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम है जो ऐसा प्रोग्राम ही किया रहता है कि वो हमारे कंप्यूटर से डेटा का चोरी कर ले। वॉज वर्ड अबाउट प्रोटेक्टिंग हिज कंप्यूटर एंड हिज प्रोजेक्ट ही सेड इज देयर एनी वे टू स्टॉप दिस काइंड ऑफ हार्म। टोबू कूल डाउन फ्रेंड हैव यू नॉट हर्ड अबाउट एंटी वायरस डोबू स्क्रैचेज इज हेड एंटीवायरस यस माई फादर टॉक्ड अबाउट इट टोबू को तो चिंता हो रहा था कि वो अपने कंप्यूटर और अपने प्रोडक्ट का कैसे सेफली अपने पास रखे ताकि उसे हार्म ना हो तो टोबू तो ने बताया कि तुमने एंटीवायरस के बारे में नहीं सुना है तो उसने बोला हाँ मेरे फादर इसके बारे में बात कर रहे थे एंटीवायरस इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम विच प्रोटेक्ट आवर कंप्यूटर फ्रॉम हार्मफुल प्रोग्राम कॉल्ड वायरस एंटीवायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो हमारे कंप्यूटर को वायरस से प्रोटेक्ट करता है और एंटी मालवेयर एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमारे कंप्यूटर को स्कैन करता है और रिमूव करता है मालवेयर कंप्यूटर से ताकि कोई हमारे डेटा की चोरी ना कर पाए

वन शुड बी वेरी केयरफुल बाई फॉर्मेटिंग एज फार्मेटिंग अ डिस्क और कम्प्यूटर इरेजेज ऑल द एग्जिस्टिंग डेटा ऑन इट फॉर्मेटिंग के हेल्प से हम अपने हार्ड डिस्क को ज़्यादा प्रॉपरली वर्क करने लगता है बट इसमें क्या होता है जो भी डाटा है वो इरेज हो जाता है हमें फॉर्मेटिंग करने के पहले अपने डेटा का प्रॉपर बैकअप ले लेना चाहिए या फिर उसे किसी और डिवाइस में सेव कर लेना चाहिए देन वी शुड डू द फॉर्मेटिंग टोबू सो यू मीन वी मस्ट सेव और सॉरी सेव आवर डेटा टू सम अदर डिवाइस बिफोर वी फॉर्मेट द कंप्यूटर टोबू यस वेरी करेक्टेड बट समाइम फ्रेगमेंटेशन इज also a reason for slow working of a computer tobu fragmentation tobu whenever we store a file on a computer it takes some space in memory jab bhi hum koi file save karte hain computer mein तो वो कुछ स्पेस लेता है मेमोरी में या हार्ड डिस्क में We may store more than one file in a computer. और हम एक ही फाइल नहीं बहुत से फाइल कंप्यूटर में सेव करते हैं दिज फाइल आर स्टोर्ड वन आफ्टर अनदर इन द कंप्यूटर मेमोरी और ये, ये फाइल कंप्यूटर मेमोरी में एक के बाद एक सेव होते चले जाते हैं आफ्टर सम टाइम इफ वी डोंट रिक्वाड अ फाइल वी डिलीट इट और जब हमें इन फाइल की जरूरत नहीं होती हम इसे डिलीट करते हैं दिस लीव अ ब्लैंक चंक ऑफ मेमोरी दिस चंक आर कॉल फ्रेगमेंट और जब हम इसे डिलीट करते हैं तो ये एक तरह का ब्लैंक चंक मेमोरी में बना रहता है और इसे हम फ्रेगमेंट कहते हैं इफ देयर आर मैनी चंक ऑफ ब्लैंक मेमोरी एंड अलास्ट फाइल नीड टू बी स्टोरड कंप्यूटर विल डिवाइड द फाइल इन टू पीसेज एंड देन स्टोर इट दिस प्रोसेस मेक द कंप्यूटर स्लो और ये जो ब्लैंक चंक बनाते बनाते ज्यादा स्पेस क्रिएट कर देता है और इसके कारण भी हमारा कंप्यूटर जो है वो स्लो हो जाता है दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय मूविंग ऑल द यूज मेमोरी स्पेस ऑन वन साइड एंड दस क्रिएटिंग अ ब्लैंक मेमोरी स्पेस ऑन द अदर यूजिंग अ कंप्यूटर सिस्टम प्रोग्राम कॉल डिफ्रेगमेंटर एंड ऑल्सो द प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्रेगमेंटेशन तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं जो भी हम मेमोरी स्पेस का यूज कर रहे हैं उसको एक साइड में मूव करने के बाद जो ब्लैंक मेमोरी स्पेस क्रिएट हुआ है कंप्यूटर को उसे हम क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफ्रेगमेंटर और इस प्रोसेस को डिफ्रेगमेंटेशन कहते हैं डिफ्रेगमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके हेल्प से हम ऑर्गेनाइज करते हैं कंप्यूटर मेमोरी को और अरेंज करते हैं सारे फाइल को कंटिन्यूटी में और जो भी ब्लैंक चंक जो क्रिएट हो रहे हैं उन्हें हम एक साथ करते हैं ताकि वो लार्ज ब्लैंक स्पेस बने मेमोरी में और उससे हमारा कंप्यूटर वर्क प्रॉपरली करने लगता है देन देर इज सजेस्टिव प्रोजेक्ट यू कैन डू इफ पॉसिबल एंड देन देर इज असेसमेंट एक्टिविटी इफ पॉसिबल यू कैन परफॉर्म ऑल दीज एक्टिविटी मैंने आप लोग को ये प्रोग्राम में से एक आई थिंक रेक्टेंगल मैंने आप लोग को बतलाया था पिछले चैप्टर में कि हाउ टू कैलकुलेट द एरिया एंड पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड हाउ टू राइट अ प्रोग्राम इन क्यू बेसिक थैंक यू If you're having any problem, you can ask me.